Good evening. जी जी नहीं, आई थिंक खुश नसीब हूँ. अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन इवेंट करने का मौका मिला है. जब आप स्पोर्ट्समैन की बात करें, हिंदुस्तान आई थिंक इज अ प्लेस विच इज़ रियली इनकरेजिंग राइट नाउ टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट विराट एंड स्टार हैव कम टुगेदर टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी लाइक दिस, जहाँ पे हम ना कि क्रिकेटर्स को बल्कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन को सराह सकते हैं, उनके उनके काम के लिए उनको उत्साहित कर सकते ताकि और बेहतर करें. स्पेशली फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड व्हाइल प्रिपेयरिंग द यंगर स्पोर्ट्समैन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, वेदर इट्स शूटिंग, वेदर इट्स हॉकी, वेदर इट्स बैडमिंटन और टेनिस, जो अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो मैं खुशनसीब समझता हूँ, दैट आई एम गेटिंग टू मीट द स्टार्स ऑफ टुमारो एंड आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ their history to becoming something great, because this is maybe the first platform that they get introduced upon also, thanks to his foundation, Virat ki jo khud ki foundation hai. And saath mein mauka milta hai to say thank you to all the stars who've been doing so well in the last year 2018. So I'm excited, I'm happy, and kabhi kabhi alag platforms pe bhi jana chahiye na. Hum hamesha film awards mein hote hai ya music award mein hote hai, to acha lagta hai jab aap mingle kar sakte ho. You can crossover keh sakte, crossover karne ke liye maza bhi aata hai. जी 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 यार उन्होंने क्या जवाब दिया पहले, मैं वो आपने बहुत हाँ, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. यस यस यार, आई एम जस्ट अबाउट फॉलोइंग माई करियर दीज डेज. बट वॉट हैपन्स इज यू डोंट ऑलवेज नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप. एज लॉन्ग एज यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी, एज लॉन्ग एज यू कैन बी एज एन इंडियन प्राउड टू हैव फीमेल क्रिकेटर्स कमिंग इन एंड वी इनकरेज दैट, आई थिंक वॉट्स इंपॉर्टेंट इज दैट स्लोली स्लोली इट्स गोइंग टू ग्रो. दे आर द टॉर्च बेरर्स, दे आर द फर्स्ट स्टेप. एंड इट्स नॉट ओनली मी, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट एज अ नेशन वी हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट for many years it was a male dominated sport. Today we have taken this leap and I'm very very glad that they are being appreciated today. It's another chance again, like I said, to underline the fact that there is more to India than just cricket, and it comes in an amazing way when a Virat Kohli does this. So I think credit to him and the team, but I'm really glad that it's happening. I think you have molded yourself ek alag hi level pe leke gaye hain, aap fitness aur ye sab jaise sports ki baat ki ja rahi hai ji, apni film ko lekar bahut hi humne jo videos wagera dekhe आप प्रभावित हो सारे लोग यार. देखिए क्या होता है, हम ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है. हम सब कहीं ना कहीं वी आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर ट्राइंग टू गेट बेटर. आई एम श्योर आप सबकी जिंदगी में भी होता है, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं. अगर मेरा पोस्ट देख लेने से या मेरी जर्नी या मेरी स्ट्रगल देख लेने से आपको प्रोत्साहन मिलता है और यू गेट हैप्पी और यू बिलीव अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई एम गिविंग बैक इन अ स्मॉल वे. It is also something that makes me push myself harder. Like I said, we all have good days and bad days, and I also need encouragement, and so do all of you. तो वो तालमेल ऐसा होता है कि आपके फैंस और ऑडियंस से कभी आपको प्रोत्साहन मिलता है, कभी आपको देना पड़ता है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूछेंगे. जी 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 यार, आई थिंक वी आर अ वेरी वेरी ब्लेस्ड जेनरेशन. And I'm talking about us being here, that we get to see Mr. Bachchan in all his glory, working, doing amazing work till today. He's just given us badla. 70 के दशक से लेके आज तक, I think हमारा सौभाग्य है कि हमको उनके साथ, I've had a chance to be on the same platform as him so many times. I've also had a chance to work with him in Kienka. I feel honored and blessed that he subconsciously, just by being around, is making our film industry and our country a better place. And it's about time every award is less for him. जो उन्होंने किया है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो छोड़िए, आई थिंक एज अ नेशन द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिएटिव फोर्सेज, आई थिंक अमिताभ बच्चन इज द वन. सो ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स एवरी रिकॉग्निशन ही गेट्स. चलिए, थैंक यू. वोग ब्यूटी अवार्ड्स बहुत ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस में. सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी बोथ कैन बी हियर टू सपोर्ट
द वोग ब्यूटी अवार्ड्स एंड जितने भी लाइनअप है आई थिंक सारे बहुत ही अमेजिंग अचीवर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है आज रूम में. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर. Goddess. No. I think we inspire each other. I think वो सबसे important बात है. जब दो बहनें हैं I think वो बहुत ही अच्छा है because we inspire each other. मज़ा भी करते हैं साथ में, एक दूसरे के कपड़े हम चोरी करते हैं, एक दूसरे के जूते चोरी करते हैं. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. और उसको मालूम नहीं है कि आज मैं बहुत ही एक स्पेशल अवार्ड देने वाली हूँ. You are. Well, I think बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक शी इज़ द एप पर्सन बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ मेरे सारे इंटरव्यूज़ में अगर कोई भी मुझे पूछे कि हू इज़ दैट वन पर्सन यू टर्न टू फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस हू यू नो इंस्पायर, आई ऑलवेज से माई सिस्टर बिकॉज शी ऑलवेज गिव्स मी द करेक्ट एडवाइस. आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज़ योर.